शिवपुरी जिले का एक छोटा सा कस्बा नरवर नरवर कभी जिला हुआ करता था और शिवपुरी उनकी तहसील। समय बदला और शिवपुरी जिला हो गया। नरवर का किला जो अपने आप में एक रहस्य और रोमांच से भरा है, उतने और रोमांच से भरी हुई है नरवर के राजा नल की कहानी। शिवपुराण के अनुसार अर्बुदोचल पर्वत के समीप भीलवंश में अहुक नामक एक भील निवास करता था। उनकी पत्नी का नाम अहुका था। दोनों पति पत्नी शिव उपासक थे। एक समय उनकी कुटिया पर भगवान शंकर यदि के रूप में पधारे। भील ने यदि का विधि पूर्वक पूजन किया। संध्या काल के समय यदि नाथ ने अहुक से कहा कि मुझे रात्रि विश्राम के लिए थोड़ा स्थान दो, मैं प्रातः काल यहाँ से चला जाऊंगा। भील ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रहोगे? ये सुनकर यदि नाथ जाने लगे। इस पर भीलनी ने कहा कि यह हमारे अतिथि है, इनको नाराज ना करे। आप लोग सन्यासी सहित घर में रहिए तथा मैं बाहर रह जाऊंगी। भील ने कहा कि तुम नहीं, मैं घर के बाहर रहूंगा, तुम अतिथि सहित घर के अंदर रहना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर रुका तथा अतिथि और उनकी पत्नी घर के भीतर रहे। किंतु इधर अर्धरात्रि में हिंसक एवं क्रूर पशुओं ने भील की हत्या कर दी। प्रातः काल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा कि भील को सिंह जंगली जानवर भक्षण कर गए। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। भीलनी ने दुखत रहते यदिनाथ को समझाया कि आप निराश ना होइए, अतिथि सेवा में अगर प्राण को भी त्यागना पड़े तो ये धर्म है। मेरा क्या, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। यह सब कथन सुनकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भीलनी को धन्य धन्य कहा और आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम विद्रव देश की राजकुमारी देवमती बनोगी तथा भील निषद देश के राजा नल के रूप में जाने जाएंगे और मैं स्वयं हंस के रूप में आकर तुम्हारा मिलन कराऊंगा। यह कथन कहकर शिवजी उसी स्थान पर नदीश्वर लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें हम आज अंचलेश्वर महादेव ग्वालियर के नाम से जानते हैं। यह उस समय के निषद क्षेत्र दल का जन्म होता है। निषद देश के नरवर के राजा वीरसेन का विवाह महजा नामक राजकुमारी से हुआ। कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने सुनैना नाम की राजकुमारी से उसके सुंदरता के मोह जाल में फंसकर दूसरा विवाह कर लिया। सुनैना रानी के लिए राजा वीरसेन ने सुनहरी महल बनवाया। इसके पश्चात शिवजी के वरदान के फल स्वरूप मंजा देवी गर्भवती हो गई, जिससे राजा की आसक्ति प्रथम रानी की ओर बढ़ने लगी। यह सब सुनैना से ना देखा गया और उसने राजा को अपनी बातों में फंसाकर मंजा देवी को देश निकाला दिलवा दिया तथा अपने सेनापति को मंजा देवी की हत्या करने का आदेश दे दिया। सेनापति ने मंजा देवी से कहा कि माँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैंने आपका नमक खाया है और आपने मुझे अपने पुत्र के समान माना है। मैं आपकी हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझे सिर्फ अपने वस्त्र दे दीजिए, मैं हिरनी की आंखें ले जाकर आपके वस्त्रों से ही उन्हें दिखा दूंगा, जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपकी हत्या कर दी है, क्योंकि मंजा देवी की आंखें हिरनी जैसी थी। रानी ने सेनापति को अपने वस्त्र दे दिए। सेनापति ने हिरनी की आंखें और रानी मंजा के वस्त्र ले जाकर सुनैना को दिखा दिए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि पहली रानी की हत्या हो गई है। इधर कुछ माह पश्चात राजा नल का जन्म हुआ। राजा नल का बाल्यकाल कैसे बीता? ऐसी दंत कथा चली आ रही है कि जब राजा नल की माँ जंगलों में लकड़ियां बटोरने के लिए जाती, तब राजा नल जंगल में शेर के सावकों के साथ खेलते थे तथा शेरनी का दूध पीते थे, जिस कारण उन्हें सिंह तुल्य पराक्रम वाला बोला जाने लगा। जब राजा नल कुछ वर्ष के होने लगे तो ऋषि मुनियों ने उनकी शिक्षा दीक्षा आरंभ कर। राजा नल की नरवर विजय। एक दिन राजा नल अपने माँ से अपने परिवार पिता के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। ने मंजा देवी से कहा कि अब वह समय आ गया है कि अब नल नरवर के राजा बने। माता ने उन्हें पूरी कथा सुनाई, जिससे नल बहुत दुखी हुए। लोगों की आज्ञा पाकर अपनी माँ को साथ लेकर राजा नल नरवर आ गए। उन्होंने अकेले ही युद्ध का ऐलान कर दिया और एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा नल अकेले ही नरवर की पूरी सेना को परास्त कर दिया। इस प्रकार राजा नल की विजय